नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान साथी रवि जानी जो यूएग्री साइंस से। आज हम लेके आए हैं बाग की, जो कि हमारे सर्वे चल रहा है बाग के अंदर। तो हमारा यही रहता है कि किसान को हर इन्फॉर्मेशन मिले और हर जानकारी के बारे में उसे पता चले। और तो आज हम एक ऑर्गेनिक बाग के अंदर पहुँचे हैं, बादमावाली गाँव के अंदर, राइसी नगर तहसील है इनकी। इनका एक ऑर्गेनिक बाग है, ऑर्गेनिक सिस्टम है, ऑर्गेनिक ड्रिप सिस्टम है इनका। जो इन्होंने पानी की सिंचाई देनी है और जो इन्होंने कुछ जो यूज़ कर रखा है वो इसी के बारे में बात करेंगे। तो जिस किसी किसान भाई ने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है, कि देश के किसान हमारे किसान, तो पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और पहले जानकारी आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक बाग के बारे में। तो ये मौसमी के पौधे हैं, यहाँ तो इनके लमसम 3 से 4 बीघों के अंदर, और इनके 38 बीघा बाग है। तो इनका एक जो ऑर्गेनिक सिस्टम रहता है, इनके खेत के अंदर जाड़ा है जो आप देख सकते हो नीचे ज़मीन के अंदर, और जो इन्होंने जो पराली डाल रखी है वो इन्होंने इनकी वस्तु के अंदर जीवाणु पैदा होते हैं उसके लिए डाल रखी है, जो इसके अंदर पौधे के अंदर जीवाणु साथ में पैदा हो। और जो इनका पानी देने का सिंचाई का सिस्टम है वो इन खालियों के अंदर है। तो ये क्या करती है, इनके अंदर जो भेद होते हैं उसके अंदर से ये पानी सदा पौधे के अंदर पहुँचता है, और जिससे क्या है पौधे के एक एकदम में पानी की डिमांड नहीं रहती और एकदम में सूखा नहीं रहता, जिससे इनको 7 से 8 दिन तक पानी देने का सिस्टम रहता है। क्योंकि ड्रिप सिस्टम में होता है तो लगातार चलती है, ड्रिप में पानी देना पड़ता है, तो जिससे क्या है वाइट ग्रब का अटैक आता है, जो कि नमी ज़्यादा रहेगी तो वाइट ग्रब का ज़्यादा अटैक आएगा, वाइट ग्रब का अटैक आएगा तो जिससे अपने पौधे को नुकसान होगा। तो आपके सामने वाइट ग्रब का अटैक दिखाते हैं आपको, पौधे के अंदर क्या हाल कर देता है। तो इन आप पौधों को देख सकते हो, इनके अंदर वाइट ग्रब का अटैक आया हुआ है। तो आपके सामने एकदम पौधा ख़त्म हो चुका है, और दूसरा पौधा जो कि ख़त्म होने वाला है क्योंकि स्टेज चल रही है, तो आपके सामने स्टार्टिंग है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, इनके ऑर्गेनिक बाग के बारे में, जो कि इनका ऑर्गेनिक सिस्टम रहता है। तो हमारा तीसरी गाइडलाइन यही रही इनको, कि जो कि इनके व्यू हैं अदरवाइज वाले, जिसकी ये कि 2 साल हो गए लमसम ये कली का उपयोग नहीं कर रहे हैं खेत के अंदर। तो इन्होंने हमारे को यही रहा भी इनको कली का उपयोग करवाएं, जिससे कि इनके एक बढ़िया रोकथाम मिले और जिससे लेवल कम हो पीएच। और तीसरा जो नीला थोते का उपयोग करें, ये जो कटिंग कर रही है वहाँ पे नीले थोते का लेप लगाएं, जिससे एक फ़ायदा हो ऑर्गेनिक। और चौथा हमारा यही रहा जो कि फूल ड्रॉपिंग, और इनकी जो कि अब फूल बहुत बढ़िया आ रही है, केले की थोड़ी सी शिकायत मिल रही है अंदर बाग के अंदर। तो कई फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमें ऑर्गेनिक स्प्रे करनी है। तो पहली हमारी ऑर्गेनिक इनको रिकमेंड रही जो कि नीम ऑयल रहा 2 ml 1 लीटर वाटर की डोज से। और उसके बाद हमने हमारा थायोला रिकमेंड किया है, जो कि जेयू का आता है, जिसके अंदर लैम्डा प्लस सितारा है, वो तेले का एकदम खात्मा कर देगा, 10 से 15 दिन तक बेस्ट रिजल्ट रहेगा उसके अंदर हमारा यही रहा। उसके अंदर हमें इनको एक स्टिकर का भी उपयोग करने को कहा, भी स्टिकर से एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा, साथ में जल्दी आएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा हमसे भाई ऑर्गेनिक सप्रे के अंदर हम क्या करें। तो ऑर्गेनिक के हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है भाई, जिससे ये फूल ड्रॉपिंग ना हो, और जो ये फाड़ लगा है ये न्यू फाड़ बढ़िया रहे, और जो ये पीले पत्ते हो रहे हैं जो जिससे नुकसान हो रहा है पौधे का वो ना रहे। तो जिसके अंदर हमारा क्या रहता है कि मोर्गन जो कि अमीनो एसिड है, 17 प्रकार के एलएल फ्री अमीनो एसिड है, उसका उपयोग हमने 2 ml/L की बात की दो से हमने इनको रिकमेंड किया है। और पोटास हमारी 2000, जिसके अंदर NPK बोरोन मैग्नीशियम जिंक कॉपर आयरन ऑल माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, उसके हमने ऑर्गेनिक स्प्रे रिकमेंड किया, क्योंकि ये काफ़ी 2 से 3 साल तक ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक ही स्प्रे को रिकमेंड करते हैं। और चौथा हमारा जो वाइट ग्रब का अटैक आ रहा है इनके अंदर, तो उसके लिए हमने एक रिकमेंडेशन दिया है जो कि है टाटा का हंक, जो कि भुजिया फॉर्म में आता है, एसीफेड, पहले एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक दूसरा भुजिया फॉर्म में आता है, टाटा का हंक उसकी उसका उपयोग करने का है, क्योंकि उसका खात्मा जरूरी है। ऑर्गेनिक कोई फोलियर स्प्रे नहीं आती जिससे वाइट ग्रब का खत्म हो, उसके भगाने वाली आती है, तो भगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे मारने का जरूरी है। तो इसी के लिए हमारा ये रिकमेंडेशन रहता है भाई, इसको मारना जरूरी है। और चौथा जो कि हमारी इन बागों के अंदर है मेन मेंटेनेंस रहती है, जिससे कि बालों बाग के अंदर नुकसान ना हो और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। तो ये देख सकते हो आपके सामने ऑर्गेनिक बाग है और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो इन्हीं की हमारी रिकमेंडेशन रहती है, तो बढ़िया फ़ायदा हो, हर किसान के पास जानकारी जाए। जय किसान, जय जवान। धन्यवाद किसान साथियों, और आगे आपके पास न्यू जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।